अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपका अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू सुना, बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह आपने पीटीआई की तरफ से आवाज़ उठाई और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने गाइड किया। और आपने एक सवाल के जवाब में बताया कि हमारा जो मंशूर है उसमें एक हमारी जो बुनियादी चीज़ है वो तालीम है, तो क्या आप इस पर एग्री करते हैं कि वाकई आप तालीम को प्रमोट करेंगे? इंशाल्लाह। मैं अगर अपनी बात बताऊँ, मैंने जिस तरीके से पिछले इंटरव्यू में भी रोड, जो मर्जी गवर्नमेंट आए, रोड यहाँ पे बननी बननी है, क्योंकि एक ही रोड रह गई है जो कच्ची है। चले इसके अलावा मेरे दो सवाल हैं सर। जी आप इतना प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो पिछले दो साल से आप देख रहे हैं तलबा के पेपर्स वगैरह नहीं हो रहे, इसी तरह से वो प्रमोट हो रहे हैं, तो ये आपकी गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, यहाँ पर तो अब आएगी, जहाँ पर आपकी गवर्नमेंट है वहाँ पर ही तलबा के पेपर नहीं हो रहे, इम्तहानात नहीं हो रहे, बच्चे बगैर पढ़ाई के प्रमोट हो रहे हैं, तो ये आपका मंजूर तो सारे का सारा जाया जा रहा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये खाली पाकिस्तान की सिचुएशन नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं तकरीबन पिछले 29 महीनों के बाद आया हूँ। मैं दुबई में होता हूँ और ट्रांसगार्ड एक कंपनी है, उसके अच्छा रिसेप्शन है स्कूल में, ठीक है, तो वहाँ पर भी यही सिचुएशन है। वहाँ पे दो दिन के लिए स्कूल ओपन हुए थे, हम लोगों ने अपने हाथों से करवाए थे, खुद जाके वहाँ पे सारी चीज़ें सेट की थी। इवन के ये तो पाकिस्तान है लीस्ट फ्रेंच स्कूल था जिसके हम लोगों ने ओपनिंग कराई वहाँ पे, तकरीबन डेढ़ साल के बाद वो भी ओपन हुआ, दो दिन ओपन हुआ, उसके बाद फिर वो बंद हो गया, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस होती रही, लोगों को प्रमोट, देखें ऑब्वियसली जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो पास कहाँ से होंगे, सबसे पहली चीज़ ये है। देखिए तो आपके मैं कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तानी ओवरऑल, ये ओवरऑल पूरी दुनिया, ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर ये सिचुएशन हुई है। बहुत सारे लोग, मेरा अपना एक दोस्त है, बहुत करीबी है, रावला कोट का लड़का है जो कि चाइना के अंदर MBBS कर रहा था, वो बंदा यहाँ पे फंस गया, आया हुआ था वहाँ पे, कोरोना की सिचुएशन, अभी तक फ्लाइट्स प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं, वो अभी तक यहीं पे है और यहीं पे खुद पढ़ के ऑनलाइन पेपर दिए। चले आपने बहुत अच्छा इस पे गाइड किया है, तो दूसरा सवाल मेरा ये, को या PTI इस वजह से कश्मीर को विन करना चाहेगी, उनका एक ही मकसद है कि हम कश्मीर का सौदा करेंगे, आप इस सवाल के जवाब में, जो आवाम का सवाल है, मेरा सवाल नहीं, जो आवाम सोचती है, इसके जवाब में आप क्या कहेंगे, क्या आप कश्मीर का सौदा करने के लिए इलेक्शन जीतना चाहते हैं? बिल्कुल भी ऐसा हरगिज नहीं है कि हम कश्मीर का सौदा करें। सबसे पहली चीज़ पे है, हर बंदा यहीं पे, हमारे घर यहीं पे, ये तो लोगों में शहूर होना चाहिए कि अगर कोई बाहर के लोग आते हैं, उनसे ज़मीन खरीदने आते हैं, तो वो ना बेचें। सबसे पहली चीज़ तो ये, लोग डरे में कि जी यहाँ पे अगर इस चीज़ को ये लोग इस चीज़ की, जैसे कि पंजाब में, उसके बाद जो है ना गिलगित के साथ जोड़ेंगे, झेलम वाला से एरिया जो है ना इस साइड के ऊपर जोड़ेंगे, ये लोग डरे में कि जी बाहर के लोग आएंगे और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ खरीदेंगे, हमारी पुरानी खत्म हो कर। क्या देखते हैं आज़ाद कश्मीर में, इस इलेक्शन को किस नज़र से देखते हैं कि आप क्या हुकूमत कायम कर सकते हैं सिर्फ अपने बलबूते पर, सिर्फ PTI की सीटों? मैं तकरीबन अपने बलबूते के ऊपर तो तकरीबन आलमोस्ट तकरीबन 97% आपको, क्योंकि हर इस टाइम के ऊपर आवाम के अंदर इस तरीके का शऊर आ चुका है कि वो चेंज जो है वो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। 70 साल हो गए हैं, मुस्लिम लीग ने उनको भी आजमा लिया, MC को भी आजमा लिया, आज तक तरक्याती कामों में एक प्रोजेक्ट भी यहाँ पर नहीं लगा। जल्जले के बाद प्रोजेक्ट लगे, वो भी बाहर की तंजीमों ने आके यहाँ पे दिए, गवर्नमेंट ने बाजार के खुद कोई उस तरीके का प्रोजेक्ट नहीं रखा। देखिए जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया, ना तालीम के ऊपर वर्क हुआ, ना हमारे दीन के ऊपर वर्क हुआ। अगर माशरा तरक्की करेगा इन दो चीज़ों के ऊपर करेगा, रोड, इवन के मैं अपनी बात बताऊँ तो खान का पहला मंशूर ही यही था कि हमने रोडों के ऊपर काम नहीं करना, हमने तालीम के ऊपर काम कर रहे, अपने मजहब के ऊपर काम कर रहे। चले सर, थोड़ा ही वक्त रह गया, आप देखते हैं शाम तक इंशाल्लाह सारे के सारे रिजल्ट आ जाएंगे, तो उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान के लिए और कश्मीर के लिए ये इलेक्शन जो है अच्छा ही साबित हो। तो आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया सर।